मेजर जनरल सेवानिवृत्त अजय कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे अग्निवीर देश की रक्षा में युवा शक्ति व अनुभव का संतुलन स्थापित करने हेतु सेतु का काम करेंगे। अग्निवीर बनना वह सुनहरा अवसर है जो कौशल विकास और अनुशासन से दक्ष कर युवाओं को उनके भविष्य के लिए कई मार्ग प्रशस्त करेगा। मेजर जनरल चतुर्वेदी मंगलवार अपराह्न महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्तदिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन भारतीय सेना में अग्निपथ विषय पर विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सेना में अग्निपथ योजना को लेकर कुछ लोगों द्वारा फैलाए गए भ्रांतियों को सहज तरीके से दूर किया। मेजर जनरल चतुर्वेदी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर कुछ लोगों ने अंतर्निहित स्वार्थवश उपद्रव करवाया था। हकीकत यह है कि देश की रक्षा में अग्निवीर बनने वाले युवाओं के पास 4 साल के बाद अवसरों की भरमार होगी। अग्निवीर भर्ती को लेकर सेना की पहली रैली में ही 4.5 लाख आवेदन का आना इन शरारती व स्वार्थी तत्वों को युवाओं की तरफ से करारा जवाब है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की विविधता ही हमारी ताकत है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अग्निवीर ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती का योजना है और इसके माध्यम से हम अपनी विविधता की ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि न सिर्फ युवा पुरुषों को बल्कि युवतियों को भी अग्निवीर बनने का अवसर है। नेवी ने 20% अग्निवीर भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। सेना तथा वायुसेना ने भी आगे की भर्ती में ऐसा करने का इरादा जताया है। मेजर जनरल चतुर्वेदी ने कहा कि 1999 के कारगिल वार के बाद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बने कारगिल रिव्यू कमेटी ने सेना में युवा शक्ति व अनुभव के संतुलन का जिक्र किया था। अग्निवीर योजना उसी के परिणाम स्वरूप है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर के लिए उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष तय की गई है, लेकिन गत 2 वर्ष कोरोना से प्रभावित होने के चलते 2022-23 की भर्ती में आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। उन्होंने अग्निवीर को 4 सालों के दौरान मिलने वाले वेतन व उसके बाद मिलने वाली एकमुश्त धनराशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि जोखिम वाले स्थानों पर तैनात अग्निवीरों को अलग से विशेष प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे। उन्होंने यूएसए यूके रशिया इजराइल चीन व फ्रांस में अग्निवीर जैसी योजनाओं का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारतीय सेना की स्कीम सबसे शानदार है। मेजर जनरल चतुर्वेदी ने बताया कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद सेना के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी समायोजित होने का भरपूर अवसर होगा। 25% अग्निवीर योग्यता के अनुसार सेना में ही भर्ती कर लिए जाएंगे। जो 75% शेष रह जाएंगे उन्हें कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF में भर्ती के लिए 10% आरक्षण व आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा उन्हें डिफेंस PSU कोस्ट गार्ड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार आदि राज्यों की पुलिस में भर्ती होने की वरीयता मिलेगी। टाटा और महिंद्रा जैसी कई कंपनियों ने भी अग्निवीरों को सेवायोजित करने की बात कही है। यदि कोई अग्निवीर सेवा के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहेगा तो सेवा पूर्ण होने पर मिलने वाले 11,70,000 रुपये व बैंक लोन की मदद से वह बहुत कुछ कर सकेगा। इस अवसर पर महायोगी विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉ. अतुल वाजपेयी ने कहा कि अग्निवीर भर्ती शुरू होने के 4 साल बाद प्रतिवर्ष 60,000 से अधिक फौजी रिजर्व में जाएंगे। देश हित में इन्हें हम जब चाहेंगे बुला लेंगे। आने वाले कुछ सालों में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व फोर्स होगी। मेजर जनरल डॉक्टर वाजपेयी ने अग्निवीर योजना को आज देश की आवश्यकता बताते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पास अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं होगी वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। व्याख्यान माला में आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। व्याख्यान माला के आयोजन में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य DS अजीता, गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉ. प्रज्ञा सिंह, डॉ. सुमित कुमार, डॉ. दीपू मनोहर, डॉ. पीयूष वर्षा, डॉ.
SN सिंह, डॉक्टर जासोबेन, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। व्याख्यान का शुभारंभ BAMS की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व BAMS प्रथम विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने बताया कि सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के अंतर्गत 24 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से आजाद भारत में आयुर्वेद 2014 के पूर्व विषय पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव व पद्मश्री वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेजा का तथा KGMU लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट का व्याख्यान होगा।